आज मंत्रिपरिषद में 46 एजेंडों पर निर्णय 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर विभाग ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग का ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना स्वीकृति दी गई है 33। इसमें आपको जानकारी होगा कि पूर्व में एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई थी, जो एंड ऑफ लाइफ जो ये रोड्स हैं उसका उन्नयन सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि इसी मत से जो भी रिपेयर के लिए जो भी पथ के मेजर रिपेयर्स हैं वह इससे किए जा सकेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की संशोधित नियम की स्वीकृति दी गई। पटना जिला अंतर्गत ये पर्यटन विभाग का प्रस्ताव है 41 नंबर। पर्यटन विभाग को सुविधा हेतु पीपीपी मोड में 3-5 सितारा होटल 5-स्टार होटल के निर्माण एवं संचालन की मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृति दी थी। यह 2019 में यह स्वीकृति दी थी। यह जो 5 सितारा होटल है, अब उसमें कुछ संशोधन जो स्वीकृति है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि अब ये होटल में हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक मार्केट रिटेल सेक्टर, मतलब इसमें मॉल और होटल का मिश्रित रूप से निर्माण किया जाएगा। दूसरा है कि कमरों की संख्या 100 कमरे हैं और पाटलिपुत्र अशोक में कम से कम, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में 150-150 कमरे होंगे। ग्राउंड कवरेज पाटलिपुत्र अशोक में 60% एवं बांकीपुर में और सुल्तान पैलेस में 50% ग्राउंड कवरेज होगा। और लीज और मॉर्गेज की शर्तों में संशोधन हुआ है और FAR जो 4 था उसको बढ़ा के 6 कर दिया गया है, और हाइट जो है वो अनलिमिटेड एयरपोर्ट जोनिंग रिस्ट्रिक्शन के अनुरूप होगी, मतलब जितना भी हाइट किया जा सकता है लेकिन एयरपोर्ट जोन के अनुरूप होगी। यह 3 होटल आपको जानकारी होगा, तो एक तो है पाटलिपुत्र अशोक, दूसरा है सुल्तान पैलेस होटल जो था, और तीसरा था बांकीपुर। तो 2 होटल तो तोड़ के बनेंगे, अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड वाले, और सुल्तान पैलेस वाले को हेरिटेज होटल के रूप में निर्मित किया जाएगा। वो टूटेगा नहीं, उसको हेरिटेज होटल के रूप में उसको निर्मित किया जाएगा। मतलब ये मिश्रित है, मतलब सभी जो होटल होंगे, अभी क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी भी चाहिए, इसलिए कमर्शियल वायबिलिटी के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे और होटल भी होगा। पर्यटन विभाग का 40 नंबर बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो टूरिज्म के ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया है, लोगो है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, जहाँ पे हाईएस्ट फुटफॉल इलाके हैं, कॉफ़ी टेबल बुक हैं, मतलब जहाँ जहाँ आपका टूरिज्म का प्रचार प्रसार होगा उसी का यह प्रचार प्रसार नीति की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास आवास विभाग में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 2 नंबर, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत जो पिछली बार योजना की स्वीकृति दी गई थी उसमें 2 संशोधन किए गए हैं। एक तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की शक्तियां जो हैं वह निर्धारित की है कि DM जो है जिला पदाधिकारी 1 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति दे सकेंगे,
प्रमंडलीय आयुक्त है, 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति देंगे। इस योजना में चेंज होगी, जो समिति होगी उसमें जिला प्रभारी जो मंत्री हैं वो अध्यक्ष होंगे, स्थानीय विधायक इसके सदस्य होंगे, जिला संबंध जिले के सभी माननीय पार्षद इसके सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे, पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे, नगर पालिका नगर आयुक्त इसके सदस्य होंगे और बुड़ुको के जो कार्यपालिका मेहनता हैं वो इसके सदस्य होंगे। तो ये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो है, जो लोकल जो शहरी क्षेत्र में योजना का संचालन है उसकी स्वीकृति की के का लिमिट और उसकी कमेटी का अप्रूवल हुआ। कृषि विभाग 38 नंबर, इसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 DPR अंतर्गत जो किसानों का उपज का जो मार्केटिंग है, जो किसानों के कृषि उपज का भंडारण है, मार्केटिंग है, विपणन है, मूल्य संवर्धन है, निर्यात है, ग्रामीण हाटों का विकास है, तो इसके लिए अलग से एक निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया। मतलब मार्केटिंग के लिए अलग से निदेशालय गठन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कृषि विभाग में बहुत सारे निदेशालय है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसी प्रकार अब कृषि विपणन निदेशालय का भी गठन होगा। वाणिज्य कर विभाग 42 नंबर, बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम 2024, ये आपको जानकारी होगा कि बिहार कराधान विवादों समाधान का अधिनियम 2024 में स्वीकृत हुआ था। इसकी लास्ट डेट जो था आवेदन देने की 25/8/2024 थी, अब इसका अवधि विस्तार कर दिया गया है 6 महीने के लिए, 6 महीने के। ये परिवहन विभाग का है, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिक आयु के स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 6061 दिनांक 28/7/2023 के आलोक में प्रदान की गई जो छूट की अवधि है वो 31/3/2026 तक विस्तारित की गई। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत आपको टैक्स कंसेशन दिए जाने थे, अब उसकी अवधि 31/3/2026 तक 26 तक विस्तारित की गई है। परिवहन विभाग का ही 4 नंबर एजेंडा, बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बकाया पथकर हरित कर एक मुश्त जमा कर अर्धदंड विमुक्त BS4 को छोड़कर एक मुश्त पथकर जमा करने एवं वाहन व्यवसायियों को बकाया व्यापार तथा अस्थायी निबंधन की फीस में एक मुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्धदंड से विमुक्त और कमी करने के लिए जो पीरियड है उसको 31/3/2025 तक विस्तारित कर दिया गया। जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, जो विवाद था उसकी जो अवधि है, जो सेटलमेंट की अवधि है, वन टाइम सेटलमेंट है, वो 31/3/2025 तक विस्तारित कर दिया गया। अल्पसंख्यक के 2 आवासीय विद्यालय हैं, पहला है कि बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना बेगूसराय, यह है 37 अल्पसंख्यक विद्यालय बेगूसराय, जिला मौजा खीरीचक वक्फ बोर्ड की जमीन है, 560 आवासन वाला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, अनुमोदित प्रकलन जो है 50,67,60,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दूसरा जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार के मौजा सिरनिया वक्फ की जमीन है, 560 आवासन है, 57,17,91,000 का यह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई। 35 नंबर एजेंडा, योजना विकास विभाग बिहार द्वारा संचालित कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं विकास कार्यक्रमों के सह समय कार्यान्वयन परीक्षण के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 350 जूनियर इंजीनियर प्राप्त करने का निर्णय लिया है, इसमें 13,25,73,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग 28 नंबर एजेंडा, इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोइलवर में आरोग्यशाला, मानसिक आरोग्यशाला का निर्माण किया जा रहा था भोजपुर में, ये 272 बेड का था, अब इसको बढ़ा के 321 कर दिया गया है। इसमें स्कोपा वर्क में भी संशोधन है,
और रिवाइज्ड एस्टिमेट अब हो गया है 1,97,26,11,900 रुपये। तो स्कोप ऑफ वर्क में चेंज हो गया है और साथ ही साथ जो बेड है उसमें भी परिवर्तन हो गया है। तो पहले 1,28,00,00,000 का था, अब 1,97,00,00,000 का ये योजना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का 26 नंबर एजेंडा, राज्य योजना अंतर्गत जो डेंटल चिकित्सा महाविद्यालय है और अस्पताल है पैठना रहुई नालंदा में भवन निर्माण के लिए पहले 4,414,00,000 रुपये स्वीकृत थे, अब वो रिवाइज होके 5,97,78,13,13,000 रुपये स्वीकृत कर दिए गए। ये एडीपी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट हैं एडीपी के, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। ये है 18 नंबर एजेंडा, पहला है बिहार स्टेट हाईवे 4 प्रोजेक्ट है, ये दोरैया इंग्लिश मोड असरगंज पथ लंबाई 58.473 किलोमीटर में पुल या पुल आरओबी बाईपास निर्माण है, ये 650,50,98,000। मैं पढ़ देता हूँ, दोरैया इंग्लिश मोड असरगंज पथ उच्च पथ 84 के 14 किलोमीटर दोरैया बांका से शुरू होकर महत्वपूर्ण स्थान जैसे इंग्लिश मोड पुनसिया होते हुए राज्य उच्च पथ 22 के किलोमीटर 12.4 किलोमीटर असरगंज मुंगेर के पास समाप्त होती है। तो ये पहला वाला रोड है। दूसरा रोड जो है यह बिहार स्टेट हाईवे 4 का प्रोजेक्ट है, ये बनगंगा NH-82 जेटीएन गैलोर बिंदस NH-82 पथ लंबाई 41.256 किलोमीटर में पुल पुलिया एवं आरओबी निर्माण सहित उन्नयन एवं सुदृढ़ कार्य हेतु कुल 361,32,55,000 रुपये का है। और यह NH-82 बनगंगा जेठियन गैलोर बिंदस NH-82 पथ राष्ट्रीय उच्च पथ 82 से 66.150 किलोमीटर राजगीर नालंदा से शुरू होकर महत्वपूर्ण स्थान जैसे जेठियन गैलोर होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ 82 के 17.45 किलोमीटर मानपुर गया के पास समाप्त होती है। तीसरा जो पथ है एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट है, यह है आरा एकोना खैरा सहार पथ, ये 32.263 किलोमीटर है, पुल पुलिया निर्माण कार्य सहित उन्नयन है, यह 373,56,18,000 है। ये आरा एकोना खैरा सहार पथ राज्य उच्च पथ 12 के 1.3 किलोमीटर तेतरिया ग्राम से शुरू होकर महत्वपूर्ण स्थान जैसे इकोना पियानिया अज्ञान होते हुए राज्य उच्च पथ 81 के खैरा ग्राम के पास समाप्त होती है। और चौथा जो पथ है वो है छपरा मांझी दरौली गुठनी पथ 72.183 किलोमीटर पुल पुलिया आरयूबी बाईपास निर्माण कार्य सहित ये 701,25,89,000 है। ये छपरा मांझी दरौली गुठनी पथ उच्च पथ 31 के मांझी ग्राम से शुरू होकर महत्वपूर्ण स्थान जैसे दरौली ताजपुर इत्यादि होते राष्ट्रीय उच्च पथ 227A बरहालगंज सिवान पथ के किलोमीटर 4.1 के पास समाप्त होती है। तो 4 ये पथ थे जो एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट थे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED जो कार्य कर रही है, ये 11 नंबर एजेंडा है, ये इसके सुपरविजन का जो इश्यूज हैं, जो सुपरविजन के इंजीनियर्स चाहिए, ये 350 इंजीनियर्स 1 वर्ष के लिए ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल करेंगे, 13,25,73,000 रुपये के दर से। ये 2 केंद्र प्रायोजित जल आपूर्ति योजनाएं हैं जिसका रिवाइज एस्टिमेट हुआ है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुंगेर जिला के अंतर्गत अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित खैरा एवं अन्य निकटवर्ती टोला में सतही जल के उपयोग से पाइप्ड जल आपूर्ति योजना 6.224 MLD के निर्माण हेतु 32,29,50,000 रुपये मात्र की राशि पर पूर्व से स्वीकृत योजना का द्वितीय पुनरीक्षित आकलन 40,82,11,700 रुपये पुनरीक्षित योजना के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सेम योजना केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत
त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सब मिशन के अंतर्गत पटना जिला के मनेर प्रखंड के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 25 ग्रामों के सतह जल के उपयोग से पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना 75,54,00,000 रुपये, इसका रिवाइज एस्टिमेट अब हो गया 1,13,80,47,000 रुपये। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग एजेंडा नंबर 6, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित जनक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास को सुचारू रूप से संचालन हेतु 91 ये छात्रावास प्रबंधकों के पद सृजित किया 91, इसमें 4,39,74,000 रुपये व्यय होगा। इसमें छात्रावास प्रबंधक क्या करेंगे यह भी डिफाइंड है। शैक्षणिक वातावरण बनाया जाएगा, छात्रों के कमरों का आवंटन किया जाएगा, आवंटन छात्रों को परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा, फिर मतलब सारे डिटेल हैं कि छात्रावास में प्रबंधन कैसे किया जाएगा उनके द्वारा। ये करीब 13 पॉइंट हैं जिसके बारे में यह निर्णय लिया गया। एक नंबर एजेंडा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्यांश की राशि जो है प्रशासनिक पद में 16,00,00,000 अग्रिम की नकासी हुई है। 31 एजेंडा, बिहार मध्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2017 में संशोधन हुआ है। बिहार मध्य निषेध अवर सेवा संशोधन नियमावली 2024 का नियमावली में संशोधन किया गया है। 30 नंबर एजेंडा, बिहार उत्पादन रसायन परीक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 का संशोधन किया गया है। 30 नंबर एजेंडा है 29, बिहार सचिवालय भोजनालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति, जो बिहार सचिवालय में लेबर डिपार्टमेंट के भोजनालय में परिचारी हैं उन्हीं के भर्ती नियमावली में संशोधन है। 13 नंबर, बिहार उच्च न्यायालय सेवा न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। 7 नंबर, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रशासन स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। 3 नंबर, निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या 10/2/2010 में अधिसूचित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन किया गया है। 46 नंबर एजेंडा है, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, इसमें 10 कार्यालय प्रचारी का पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग 43 नंबर 43 एजेंडा, राज्य के जो नवस्थापित और उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें 6,421 पदों का सृजन किया गया है। 44 नंबर एजेंडा, आपको पता चला पता है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है और यह बहादुरपुर अंचल में हो रहा है, एम्स ने अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है, तो 37.31 एकड़ भूमि जो है अतिरिक्त निःशुल्क वहाँ पे दरभंगा एम्स के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया। ये जो पूर्व में आवंटन लैंड है उसके अतिरिक्त ये मतलब दिया जा रहा है। पहले 113.86 एकड़ आवंटित किया था, अब 37.31 आका 113.86 पहले आवंटन किया गया था, अब 37.31 अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। 34 नंबर एजेंडा है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना में 44 पदों को समायोजन करते हुए आवश्यकता अनुसार 56 पदों का नव सृजन किया। ये कोसी एरिया में कोसी बेसिन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंताओं का नियोजन की स्वीकृति दी गई है, यह 32 नंबर एजेंडा है। 27 नंबर एजेंडा है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। जो विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी है हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसमें 60 पदों का सृजन किया गया। 19 नंबर एजेंडा है, अब ये डिसमिसल के मैं पढ़ देता हूँ, ये करीब 7 डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर्स का डिसमिसल का है, मैं केवल ये पढ़ देता हूँ कि कौन कौन डॉक्टर को डिसमिस किया गया है अनधिकृत उपस्थिति में। डॉक्टर चमक लाल वैद्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सिमलतुल्ला झाझा जमुई, डॉक्टर रवि कुमार चौधरी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल जमुई,
डॉक्टर रोहित कुमार बसाक, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सा कांटा अररिया। डॉक्टर रवीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर कटियार। डॉक्टर शकील जावेद, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमदाह पूर्णिया। डॉक्टर अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज कटियार। और डॉक्टर मसीहूर रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिबरा बाजार बी कोठी पूर्णिया। तो इतने डॉक्टर्स को अनधिकृत रूप में डिसमिस किए गए हैं। एजेंडा नंबर 14, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुसुम कुमारी तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं गौनाहा पश्चिम चंपारण, यह डिसमिस थी। इनके अलमारी से 43,750 रुपये अवैध राशि अलमारी से पाए गए थे। मान्य न्यायालय के आलोक में इनको इनके आवेदन पर पूर्वावलोकन किया जाना था। पूर्वावलोकन के पश्चात समीक्षाओं प्रवान इनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। 12 नंबर एजेंडा है, श्रीमती आफसा अजीम तत्कालीन वाणिज्य कर पदाधिकारी निलंबित हैं, मुख्यालय वाणिज्य कर विभाग पटना संप्रति बर्खास्त थी। इनको माननीय न्यायालय के आलोक में रीइंस्टेट कर दिया गया है। एजेंडा नंबर 8, पटना मेट्रो को मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की जमीन, पटना मेट्रो को 23,52,55,000 रुपये पेमेंट पे स्थानांतरित किया गया है। और 45 नंबर एजेंडा है, जो बिहार विधानमंडल के माननीय सचिवगण हैं, उपमंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसमें विधानमंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता, इनमें इनका जो दर्जा है उप मुख्यमंत्री में संशोधन करके राज्य मंत्री का कर दिया गया। यही आपके 46 एजेंडा थे।